प्रश्न है कि हिंदू कौन और हिंदू धर्म क्या है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा धर्म क्या है। सामान्य तौर पे हम समझते हैं कि धर्म मतलब उपासना पद्धति, पूजा करने की पद्धति। कोई यदि मंदिर जाता है तो वो हिंदू है, जबकि धर्म का पूजा पद्धति से, उपासना पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का संबंध जो है वो संस्कृति से, परंपराओं से, जीवन मूल्यों से है। धर्म एक कसौटी है जो आपको बताता है कि क्या आपके लिए कर्तव्य है और क्या आपके लिए अकर्तव्य है, क्या आपके लिए करणीय है, क्या आपके लिए अकरणीय है, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। जब आपको जो करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इसकी कसौटी भारत की परंपराओं, भारत की संस्कृति, भारत की जीवन मूल्यों के अनुरूप है, तो आपका धर्म हिंदू धर्म है। यदि जो आपको करना चाहिए और जो आपको नहीं करना चाहिए, इसकी आपकी कसौटी भारत की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के अलावा कहीं और की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के अनुरूप है, तो आपका धर्म अहिंदू धर्म है। भारत में जो पूजा पद्धति की दृष्टि से वैदिक हैं, आर्य समाजी जैसे पौराणिक हैं, जिसमें शैव, वैष्णव, शाक्त, स्मार्त, अन्य बहुत सारे आते हैं, प्रकृति पूजक हैं जैसे वनवासी समाज है, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, सुदूर अगर हम असम की बात करें तो शंकरी हैं, लिंगायत हैं, इस प्रकार के बहुत सारे जो भिन्न भिन्न हमारे पंथ हैं, इनको मानने वाले जितने भी लोग हैं, इनकी करणीय अकरणीय की कसौटी एक ही है, दया, अहिंसा, करुणा, सर्वधर्म समभाव, सबको समान भाव से समावेश करना, सबका सम्मान करना, ये इनकी कसौटी है। तो ये सब के सब हिंदू हैं। इसके अतिरिक्त भारत में इस्लाम के मतावलंबी हैं, ईसाइयत के मतावलंबी हैं। इनकी करणीय अकरणीय की कसौटी अरब देश से संचालित होती है, पश्चिम से संचालित होती है। जो कार्य हिंदू के लिए करणीय है, उनमें से बहुत से कार्य उनके लिए अकरणीय हैं, और बहुत से कार्य जो हिंदू के लिए अकरणीय हैं, वो हमारे इस्लाम और ईसाइयत मतावलंबियों के लिए करणीय हैं। तो इनका धर्म अलग है। कॉन्फ्लिक्ट होता है जब हिंदू अपने धर्म की कसौटी से इस्लाम या ईसाइयत को मानने वालों के कार्यों को कसते हैं। जैसे मैं एक सामान्य सी बात लेता हूँ, जिबह। भारत में जब बलि दी जाती है तो कोई भी हिंदू पंथ हो, कोई भी हिंदू संप्रदाय हो, उसका व्यक्ति पशु को गले के पीछे से, माने गर्दन से वार करके एक झटके में काट डालता है, जबकि इस्लाम मतावलंबी उसको गले को थोड़ा सा काट कर छोड़ देता है। दोनों पशु का वध करते हैं, लेकिन वध करने की प्रकृति अलग अलग है। तो जो भारतीय है, जो भारतीय परंपरा, मूल्यों और संस्कृति को मानता है, उसको लगता है कि पशु को इस प्रकार कष्ट देकर मारना गलत है, ये अधर्म है। जबकि यदि आप एक मुसलमान से कहेंगे तो वह कहेगा यही धर्म है। तो धर्म की कसौटी अलग अलग होने के कारण हम किसी को अधर्मी समझते हैं। तो हमें समझना होगा कि हमारी कसौटी और उनकी कसौटी अलग अलग है। यदि उनकी कसौटी आपको परेशान करती है और आपको लगता है कि ये हमारे जीवन मूल्यों के अनुरूप नहीं है, तो आप उस भाई के प्रति नफरत मत पालिए, उसके प्रति घृणा का भाव मत रखिए। घृणा से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, दोनों ओर से हिंसात्मक वातावरण या हिंसात्मक भावनाएं बढ़ेंगी। यदि आपको लगता है कि वो जो कर रहा है वो अधर्म है, तो उसे आप अपनी संस्कृति में, अपनी परंपराओं में लाने का प्रयास कीजिए, उससे मिलिए, उसे समझाइए, उसे बताइए कि भारत में भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों की जो स्वीकार्यता होगी, वह अरबी परंपराओं की, अरबी संस्कृति की, अरबी मूल्यों की नहीं होगी। और भारत के लिए यह उचित है कि भारत के पूर्वजों ने जिस परंपरा, संस्कृति और मूल्यों को स्थापित किया है, उसी के अनुसार चला जाए। और इसके लिए आप एक व्रत लीजिए कि अपने प्रत्येक अहिंदू मित्र एवं परिचित से हिंदू संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी महानता की चर्चा करेंगे और उन्हें हिंदू धर्म में वापस आने का आग्रह करेंगे। एक बात ध्यान रखें कि जितने भी अहिंदू भारत में हैं, वे पहले कभी हिंदू ही थे और भिन्न भिन्न कारणों से उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर ये अरबियों का जो विदेशी धर्म है उसको अपनाया है। वे कोई पराये नहीं है, उनका जन्म यहाँ हुआ है, उनकी मृत्यु यहीं होनी है, उनका जीवन यहीं गुजरना है, हमारे बीच गुजरना है। तो बेहतर है कि यदि उनकी कोई बात हमें परेशान करती है तो हम उन्हें अपनी संस्कृति में लाने का प्रयास करें, इतना ही हमें करना चाहिए। धन्यवाद।